मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई है। जब मैं डायमंड हार्बर गया, मुझे बताया गया कि राज्य के गृह सचिव का निर्देश था जिलाधीश उल्गानाथन को, डॉक्टर पी उल्गानाथन, कि फुल प्रोटोकॉल हैज़ टू बी मेंटेन्ड। पता नहीं डायमंड हार्बर को क्यों खास मानते हैं, क्या पश्चिम बंगाल में किसी की जागीर है, क्या वहाँ देश का कानून नहीं चलता, क्या वहाँ जब राज्यपाल जाता है तो अलग व्यवहार होगा। दे डिड नॉट हैव द कर्टसी ऑफ अ गार्ड ऑफ ऑनर। जब उनसे पूछा तो कहा कि प्रोटोकॉल वॉज फुल्ली कंप्लाइड, आई हैव टेकन अ वेरी सीरियस व्यू ऑफ द मैटर, आई एम अवेटिंग रिस्पॉन्स ऑफ द होम सेक्रेटरी। मैं पश्चिम बंगाल की 9 करोड़ जनता के परिवार का एक साधारण हिस्सा हूँ, उनके सुख दुख में मेरी भागीदारी है, मेरी शपथ का खास हिस्सा है कि मैं भारत के संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करूँ, और उसके अलावा पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करूँ। क्या कोई इतना अज्ञानी हो सकता है जिसने भारत के संविधान का प्रीएम्बल नहीं पढ़ा, जिसमें सबसे पहले संकेत दिया है वी द पीपल। मैं इस प्रवृत्ति की घोर भर्त्सना करता हूं। जिन लोगों ने भारत के संविधान के तहत शपथ ली है और मेरा संकेत माननीय मुख्यमंत्री की ओर है, उनकी शपथ क्या है? ममता बनर्जी की शपथ है, मैं भारत के संविधान के अनुरूप कार्य करूंगी। और मेरी शपथ क्या है? आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। जब वो इस प्रकार का कृत्य करती है, मेरा दिल दुखता है, बहुत पीड़ित होता हूं, बहुत मैंने आगाह किया, अलर्ट किया है। पश्चिम बंगाल के महापुरुषों का मैसेज, उसकी रोशनी, उसका असर, उसका प्रभाव देश पर पड़ा है, दुनिया पर पड़ा है। जब हाल का घटनाक्रम देखता हूं, पश्चिम बंगाल अम्फान की चपेट में आया, अम्फान में लोगों ने एक दूसरे की बड़ी मदद की, राज्य और केंद्र दोनों ने सहायता की, पर जब उस सहायता में अनियमितताएं हुई, जबरदस्त अनियमितताएं हुई, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको मिला, जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, इसमें आपके जिले की पहचान ठीक नहीं हुई है। यहां पर कैसे पक्के मकान वाले, डबल स्टोरीड वाले को ये मिल गया, ये बहुत बड़ा संकेत है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए कि क्या अम्फान रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी तिजोरी भरी जा सकती है, क्या इतना बड़ा अम्फान जिसने जनता को पीड़ित किया, लोगों की रोजी रोटी छीनी, उसमें जो सहायता दे रहे हैं, वो सहायता भी आपको अनरिच कर रही है। इसीलिए प्रांत के उच्च न्यायालय ने, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीएजी जांच कराई है अम्फान रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसका एक उदाहरण यह है। मैं अपने आप से पूछता हूं, कैसे उन लोगों ने पद पर रहते हुए अपने दिल को इतना मजबूत कर लिया, क्रूर कर लिया कि वो सहायता ले ली। और जब पता चला तो प्रशासन सुस्त वापस कर दिया। गलत लेना एक अपराध है, अपराध की कार्यवाही होनी चाहिए।
मेरा मन दुखी है। पैंडेमिक आया, बहुत प्रांत परेशान रहा, कई कारणों से रहा, पर जब 2000 करोड़ की खरीदारी के अंदर खुद माननीय मुख्यमंत्री ने पाया कि अनियमितताएं हुई हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच कराई, किन से जांच कराई? उनसे जांच कराई जिनकी जांच होनी चाहिए थी। क्या कल्पना कर सकते हो, मेरे खिलाफ कोई जांच हो वो मैं खुद करूंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उनका ध्यान आकर्षित किया कि कदम आपने उठाया है, क्या यह कदम पोस्ट फैक्टो कवर अप है? क्या जो गलत हो गया उस पर पर्दा डालने का प्रयास है? और मैंने सरकार को आगाह किया कि मुझे वो जांच की रिपोर्ट चाहिए, आज तक नहीं दी गई। पर जो चीज आपको पता है, जो ओपन सीक्रेट है, सिंडिकेट्स हैं, किस तरीके से कानूनी व्यवस्था का राजनीतिकरण हो गया है, किस तरीके से सरकारी कर्मचारी, सरकारी खजाने से पैसा लेने वाला व्यक्ति राजनीतिक कार्य करता है, ये सब आपकी आंखों के नीचे है। लगातार मैंने आगाह किया है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अ पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट बी पॉलिटिकल वर्कर, अ पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट डू पॉलिटिकल वर्क। और ये मेरी नसीहत नहीं है, ये कानून का संकेत है। भारत के संविधान के तहत निर्मित कानून क्या कहता है? पब्लिक सर्वेंट्स विल मेंटेन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। क्या आपको पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नजर आती है? पर आपकी चुप्पी बहुत दर्दनाक स्थिति में डाल रही है मेरे को, मेरे से ज्यादा आप देखते हो। कहीं थोड़ी सी जगह जाता हूं, आने से पहले पता लग जाता है इलाके में क्या हो रहा है, आते पता लग जाता है। आया सड़क वो ठीक है, अंदर की सड़कों का क्या हाल आपको खुद पता है, कितनी दुर्घटना हुई है सब पता है आपको। आपको पता है कि पूरे देश के अंदर पूरी जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 अप्रैल से अन्न दिया गया है, चावल और दाल भरपूर मात्रा में दिया गया है। पर क्या हुआ, आपका इलाका भी उसमें शिकार हो गया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज बीन पॉलिटिकली केस्ड, इट हैज बिकम अ मेथड ऑफ एनरिचमेंट। आप सब जानते हैं राइस प्रोक्योरमेंट में क्या हो रहा है, वो कौन स्लिप दे रहा है, कैसे दे रहा है, क्या ये कानून सम्मत बात है? मेरे कानून में भी आई, मैं अचंभित भी हो गया कि ये पैड पार्टी क्या है। देश के कानून में तो पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसका रिकॉग्निशन होता है, इधर चुनाव के अंदर उसका परफॉर्मेंस ठीक हो जाए तो। व्हाट इज दिस पैड पार्टी? लोग बताते थे कि साहब ये बहुत स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म है, करोड़ों का धन इकट्ठा होता है, सरकारी खजाने में नहीं जाता है, पर सरकारी तंत्र का उसमें योगदान होता है। पर मैं इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे आकर ये बताए कि ये हमारे साथ हो रहा है। ये मौका आया पिछले सप्ताह, ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल ओनर्स एसोसिएशन का एक डेलीगेशन मुझसे मिला। मेरे को उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया और मेरे से व्यापक चर्चा की। उसके बाद फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन का डेलीगेशन मेरे से मिला और उस डेलीगेशन ने भी मेरे से चर्चा की। उनका एक मुद्दा तो था कि रिवाइज्ड सेफ एक्सेल लिमिट है, इसके लिए भारत सरकार ने जुलाई 16, 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया था।
पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुआ। पर दूसरा उनका था, मेरे को रसीद दिखाई है मेरे पास कि सिंडिकेट्स आर ऑपरेशनल पैरेलल गवर्नेंस विद द असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु आर नॉट डूइंग गवर्नमेंट वर्क, दे आर डूइंग द वर्क ऑफ दोस सिंडिकेट्स। एंड व्हाट इज दैट? सैंड स्लिप 3,000 की है, गिट्टी 10,000 की है, कोल 20,000 की है, स्लिप है। वो स्लिप आपके पास है तो कोई पुलिस वाला आपको रोकेगा नहीं, आप सीधे जाइए। मैं जानना चाहता हूं क्योंकि लंबे समय से चल रहा है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज इलीगल, इट इज क्राइम, इट इज सिंडिकेट एट इट्स वेस्ट वर्स्ट क्रिमिनल स्टांस। ऐसा कलेक्शन होना इज इंडिकेटिव ऑफ माफिया राज, ऐसा कलेक्शन होना इज इंडिकेटिव ऑफ पुलिस राज, ऐसा होना प्रजातंत्र के ऊपर धब्बा है। जो पैसा कलेक्ट होता है उसको टैक्स कहते हैं, उसको लेवी कहते हैं, वो कानून से कलेक्ट होता है, उसकी रसीद दी जाती है, वो सरकारी खजाने में जाता है और वो जन कल्याण के लिए काम में आता है। ये कलेक्ट होकर कहाँ जाता है, कैसे ये रसीद बनाई जाती है, कैसे ऑपरेट होता है, समय दूर नहीं है सब पर्दाफाश होगा। जिन लोगों ने ये सोच लिया था कि कानून अंधा है, कानून कुंभकर्ण की नींद सोता है, कानून के हाथ लंबे नहीं है, दे आर इन फॉर अ सरप्राइज। इतिहास साक्षी है, दोज हु चैलेंज डेमोक्रेसी, दोज हु चैलेंज लॉ हैव इनवेरिएबली बीन डिस्ट्रॉयड। ये मेरा दायित्व इसलिए मैं बता रहा हूँ।